अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुल्ताना फरहान सैयद, मेरे शौहर कुरला के कसाईवाड़े के, और मेरी सास है ना मेरे शौहर को मेरे पास आने देती है ना रहने देती है, साफ साफ लफ्ज़ों में मना करते कि वो वहाँ रहेंगे नहीं और ना तो अपने घर में रखते है। और सास मेरी बार बार धमकी देती है कि मतलब छोड़ दे मेरे बेटे को, तलाक ले ले उससे, ऐसा बोलती है मेरी सास। और मेरे शौहर जब घर पे आते चोरी छुपे तो माँ का फ़ोन आता है तो मेरे को दरवाज़ा बंद करके बाहर बात करते और माँ को बोलते हैं कि मैं ना काम पे हूँ बोल के, माँ को ऐसा यकीन दिलाते हैं। और मेरे साथ मतलब रिलेशन है, सब कुछ है, और माँ को ऐसा झूठ बोलते और बोलते हैं कि है ना मतलब मैं इधर आता नहीं मतलब मेरे पास, ऐसा करके बोलते वो। और उनकी माँ बोलती मेरा बेटा तुम्हारे पास आता ही नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो बोल के। और उनकी पहली बीबी है, डिवोर्स हो चुका है, फिर भी उसके साथ रिलेशन है। और मेरे को 3 साल से उन्होंने अभी तक घर में रखा नहीं, सिर्फ 13 दिन रखे शादी होने के बाद। 13 दिन के बाद में मेरे को मेरे मायके भिजवा दिए, जबकि मेरे माँ बाप है नहीं, मैं 3 साल की थी तभी मेरे माँ बाप गुजर चुके। मेरी एक बहन है, उसने हेल्प करी, उसने 50,000 रुपया दी, इन लोग ने बहाना करके नई कहानी बना के मेरे घर पे खुद का पूरा सामान लेकर आ गए और मेरा 50,000 भी फंसा दिए, मेरा जेवर, मेरे सब दागीने, सब जो भी चीज़ था सब बर्बाद कर चुके। और मेरा बच्चा है ये 1.5 साल का होने आ रहा है, 1 साल 3 महीने का हो चुका है, इसको भी कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं। मैंने कोर्ट में केस डाली जब मैं प्रेग्नेंट थी, 3 साल 3रा महीना मेरे को चालू था, जब मैंने केस डाली तो मेरे को 3,000 रुपया महीना मिलता है, मैंने 100 रुपये रोज का खर्चा। इतनी महंगाई के ज़माने में मैं 100 रुपये में मैं घर चलाऊँ क्या, बच्चे का ध्यान दूँ, क्या करूँ बताओ। 1,000 रुपया देते, 3,000 में मैं 100 रुपया रोज, और जबकि मैं भाड़े के घर में रहती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मेरे को दूसरे लोगों ने हेल्प करके डिपॉज़िट दिए, उस डिपॉज़िट पर मैं रह रही, मेरी सास की और मेरे ससुराल वालों की सबकी नज़र ऐसी है कि इसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं शबनम आपा ने मेरे से वादा किए, मेरे को बोले बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा केस जो भी है मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व करूँगी बोल के मेरे को बहुत हिम्मत दी है। मैं बहुत तकलीफ़ में आई थी, बहुत परेशान थी, मेरा काम किधर पे भी नहीं हुआ, लेकिन इनके पास आने के बाद में मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैं चाहती हूँ कि हाँ एक औरत कोई भी कदम उठा सकती है, जिद पे आई तो औरत कुछ भी कर सकती है आदमी के लिए। मैं तुम्हारे आदमी के साथ रहना है, मुझे मेरे शौहर के साथ रहना है। इतना होने के बाद भी मैं मेरे शौहर को समझा रही तो समझने को तैयार नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। और डिवोर्स हुई भी औरत के साथ रहते जबकि वो गलत काम करती है, मतलब धंधा करती है वो, और वो घर पे आती है बच्चे को वो लोग संभालते हैं और कुछ पैसे वो लोग को मिलते हैं, और जबकि उन्होंने मेरे को झूठ बोल के शादी की है कि मैं मेरी शादी नहीं हुई बोल के ऐसा मेरे से शादी की है, और जबकि एक बच्चे को भी उन्होंने रखे है, और जब भी मेरे को बताया कि मेरे पास बच्चा भी नहीं है और वो बच्चे को भी अपने पास एक्सेप्ट करता है कि मैंने मेरी पहली बीवी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, ये बात मुझे पता चल गई तो मैंने छोड़ दिया। एंड बच्चा भी जो है 10 साल का है, वो बच्चा पूरा माँ कस्टमर्स के साथ जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है आके वो पूरी स्टोरी बताता है। एंड जो फादर इन लॉ है उसका, वो बैठ के फर्स्ट वाइफ के साथ में व्हाटएवर शी गेट, वो जो भी लेकर आती है वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ में बैठ के खाते पीते हैं, ऐसी फैमिली स्टोरी है। दैट्स अ ह्यूज बिग ट्रेजेडी स्टोरी व्हिच आई डोंट वांट टू शेयर। मेरे शौहर बोलते हैं कि तू कहाँ पे भी जा कुछ भी कर ले, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे साथ भी तो अल्लाह है ना, मैं भी तो मुस्लिम कौम हूँ ना, देर से दुरुस्त ही सही, लेकिन मेरे को पता है कि मैं कामयाबी मतलब मेरे को कामयाब हासिल होएंगी, ज़रूर होएंगी। मैंने इतनी हिम्मत करी शबनम आपा के पास आने के बाद, मेरे को बहुत हिम्मत मिल गई। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।